हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ परसेंटेज। तो फ्रेंड, इसमें हम परसेंटेज का जो हमने पहले लेक्चर में बेसिक किया कवर किया था, उसके आगे हम आज इसमें चीज़ें देखेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि आप परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कैसे ला सकते हो, ये सब सिखाया था। उसके बाद मैंने आपको व्हाट परसेंट ऑफ भी सिखाया था, और मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन, वो मोर वाला क्वेश्चन किया था कि ऐसे कर लेते हैं डिवाइड में, वो मोर लेस वाला, कि यहाँ पे अगर एक्स के साथ पूछा तो यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे भी एक्स, और अगर वाई के साथ दिया है तो ऐसे लिखेंगे। बट आज हम, मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा, बट हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, आप एंड तक पूरा देखें, और जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं वीडियो में वही प्रैक्टिस कर लें, और अगर ज़्यादा समझ ना आए तो दोबारा एक बार वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। और किसी चीज़ की समझ ना आए तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले इसमें हम एक प्रॉपर्टी होती है परसेंटेज की, एक्स परसेंट ऑफ वाई को हम बराबर लिख सकते हो वाई परसेंट ऑफ एक्स। मतलब इसका बोलने का ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई परसेंटेज दिया जिसका आपको परसेंटेज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब निकाल लोगे आप पर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो टाइम सेव करने के लिए आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे देखो, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल लेकर लिखता हूँ कि मान लो आपके पास दे रखा 36% ऑफ 50 आपको दे रखा है, आपको ये निकालना है, तो इसको आप कैसे निकालोगे? 36% हो तो डिवाइड बाई 100 × 50 करोगे, ये इसके साथ 2 के साथ कट जाएगा, आ जाएगा 80। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इसको मैं ऐसे ही लिख लूँ 50% ऑफ 36, तो आपको डायरेक्ट बता दोगे कितना आ जाएगा 50% 36 का 18। तो हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हैं कि x परसेंट ऑफ y, मतलब ये x था ऑफ y, तो इसको हम लिख सकते हैं y परसेंट ऑफ x। ये आपको प्रॉपर्टी जब भी आप परसेंटेज स्टार्ट करोगे तो आपको मिल जाएगी। देखो, लास्ट हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि इफ x एंड 25% मोर देन y, व्हाट परसेंटेज लेस डज y एंड देन x। तो मैंने कहा था आपको लास्ट में आपको ध्यान देना देन किसके साथ है, x के साथ, तो आपके डिनोमिनेटर में भी x आ जाएगा, दूसरे नंबर पे भी x आएगा, यहाँ पे माइनस कर लेंगे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बोला है कि x जो है 25% ज़्यादा कमा रहा है y से, तो मैंने कहा था आपको इसमें क्या करते हो, बेस वैल्यू मानते हो, 100 मानते हो, और x कितना कमा रहा है उससे 25% ज़्यादा, 100 का 25% कितना हो जाएगा 25%, तो उसमें ज़्यादा कमा रहा है, तो मतलब 125 पे ये कमा रहा है, तो y की जगह हम लिख लेंगे 100 माइनस x की जगह लिख लेंगे 125, x कितना आपके पास 125 × 100। अब देखो ये आ गया -25 डिवाइड बाई 125 × 100, तो कैंसिल आउट कर दिया आपके पास, ये 4 के साथ आ गया, ये 5 के साथ आ गया, आप 5 के साथ इसको कर लो, फिर आ जाएगा 5, तो मतलब -5 आ गया। और ये जो -5 का यहाँ पे मीनिंग है ये कुछ नहीं है, कितना आ गया आपके पास -20, मतलब कितनी लेस है 20। अगर ये आपके पास फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब आपके पास डिक्रीज हुआ है, अगर प्लस में आता तो आपके पास आंसर इंक्रीज आता। बट हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस वाले मेथड से नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपको सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम करने से पहले आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन के क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन क्वेश्चन को? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं कि किसी एक चीज के बढ़ने के साथ, जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आपके पास आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में ये आप मान लो राइस लाने, आपने चावल लाने, तो चावल अगर आपके पास 20 रुपए पर केजी है और आपको घर वालों ने 100 रुपए दे रखे हैं, तो कितने केजी ला आओगे, कितनी क्वांटिटी आप ले आओगे? आप 5 केजी ले आओगे, 5 केजी। अगर मान लो प्राइस इसकी इंक्रीज हो जाती है, प्राइस मान लो अब आपके पास 50 रुपीज़ हो गई, 50 रुपीज़ पर केजी हो गई, तो 100 रुपए फिर दे रखा है, तो अब आप कितनी क्वांटिटी ले आओगे, 2 केजी आ जाएगा। तो मतलब अगर जैसे इसकी प्राइस बढ़ रही है, इसकी कंजप्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो इनवर्स रिलेशन को करने की आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे करना। जो मैंने वो पहला मेथड आपको बताया ये वाला, यस, मैं जिसके साथ लेस देन दे रखा है ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो, इसको अब हम शॉर्ट ट्रिक के साथ करते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट या ट्रिक बोल लो, कुछ भी बोल लो, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है इफ एक्स एंड 25% मोर देन वाई, तो आपने यहाँ तक पढ़ा, बस आपने ये देखा कौन मोर आ रहा है कौन लेस आ रहा है, बस आपका ध्यान इतने पे देना। यहाँ पे देखा एक्स कितना ज़्यादा आ रहा है, मोर आ रहा है 25%, तो आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि ये वो वैल्यू याद कर लेना कि 25% को क्या लिख सकते हो आप, 1/4 लिख सकते हो, इतना लिख लिया आपने। अब आपने आगे क्वेश्चन में देख लिया कि आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास, मोर वार दे रखा है, मोर दे रखा है,
तो मोर में आपने क्या करना है, यही नंबर लिखा जो ऊपर वाला नोमिनेटर था वो ही लिखा। अब डिनोमिनेटर में जो फोर है, अगर यहाँ पे मोर होगा तो हम ऐड कर लेंगे, अगर यहाँ पे लेस होता तो हम करते माइनस। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, मोर तो हमने कर दिया प्लस, प्लस हम करेंगे ये जो नोमिनेटर में वैल्यू होती है वो ही, मतलब यहाँ पे वन है तो वन कर लेते क्योंकि ना आ गया 1/5 आ गया। अब आपको पता है 1/5 किसकी वैल्यू होती है, 20% की होती है, तो आपके पास आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, 20%। देखो पहले भी हमें सॉल्व करके 20% आया था और यहाँ पे भी सॉल्व करके कितना आया, 20%। क्या क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा, मोर लेस देखा है और जो भी परसेंटेज दिया उसको पहले आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने आपको बोला था इसलिए वैल्यू याद कर दो। तो 1/4 आ गया, मोर आ गया तो मैंने कहा कि मोर आया तो प्लस करना है डिनोमिनेटर में, अगर लेस आया तो माइनस करना है। अब यहाँ पे जो ऊपर, अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो आप ऐड 2 करते, यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 होता तो ऐड, तब भी आप 3 करते, अगर लेस होता तो फिर क्या करते हम, माइनस करते। एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको क्या करोगे। सबसे पहले आपने पढ़ा क्वेश्चन कि क्या दे रखा है आपके पास, क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है इफ एक्स अर्न 25% मोर, तो मतलब एक्स कितना अर्न कर रहा है, 25%। तो 25% को मैंने आपको बताया था कितना होता है, ये 1/4 होता है, अर्न कर रहा है मोर, आपने देखा मोर वार और 1/4 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये 1/4 तो ऐसे लिखा, अब ये जो नोमिनेटर में नंबर क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है तो यही 1 क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोर, अगर लेस दिया होता तो माइनस करते, तो कितना आ जाएगा ये 1/5, तो 1/5 किसके बराबर होता है आपके पास 20% के पास, तो 20% क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको चेंज करना नहीं आता तो क्या करोगे, 1/5 इंटू 100 के साथ कर लो, परसेंटेज में चेंज करना है तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ये 20 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको और आइडिया आ जाएगा। अब क्या दे रखा, बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए, तो देखो शॉर्ट ट्रिक बता देंगे यहाँ पे आपको, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बता देंगे पहले आपको, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी, तो मतलब बी आ गया देन बी के साथ आ गया, यहाँ पे बी लिखते बी माइनस ए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 करते, बट ये लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मूला तो हम इसके साथ यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, हम सिंपल अपना शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। आपको देखिए 20% मार्क्स लेस आ गए, तो आपको पता है सबसे पहले 20% किसके बराबर होता है, 1/5 होता है, बिल्कुल होता है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेस, तो मतलब आप लिखोगे 1/5, न्यूमिनेटर में वैल्यू क्या है 1, तो क्या करोगे माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 1/4। अब 1/4 किसके बराबर होता है आपके पास 25%, तो इसका आंसर कितना आ गया कि ए के कितने ज्यादा मार्क्स हो रहे हैं, बी से 25% ज्यादा मार्क्स हो रहे हैं। तो ये करना है आपने सिंपल, पहले जो नंबर दे परसेंटेज दे रखी है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, फिर लेस और मोर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग से हम क्वेश्चन में प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, 10% मोर हायर दे रखी है ए की किसके, बी के कंपैरिजन में, तो 10% को क्या लिख सकते हो आप, सबसे पहले आप लिखोगे 1/10 और मोर दे रखा है, तो मतलब क्या लिख लोगे, 1/10 प्लस 1 लिख लोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/11, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/11। अगर परसेंटेज में चेंज करना तो कर लो, 1/11 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेना तो आ जाएगा 9 1/11 परसेंट, ये आ जाएगा ना, देखो 100/11, तो 109 के साथ काट जाओगे तो 9th इसको आ गया क्वेश्चन, सॉरी 9 के साथ मल्टीप्लाई कर करके आ गया आपके पास 99, प्लस वन आ गया रिमाइंडर तो आ गया 100 आपके पास। क्या क्या मैंने 10% दिया था, 10% कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, मोर दिया था तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो आपको क्या पूछा था कि कितने परसेंट, हाउ मच परसेंट लेस इज बीज हाइट डेट ऑफ ए, तो ए से कितनी कम होगी, 9 1/11%। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन सेम है, क्या बोल रहा है, एक्स इज 10% मोर देन वाई, तो 10% को क्या लिख लोगे आप, सिंपल मैंने अभी बताया 1/10 लिखेंगे। अब मोर दिया तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 1/10 डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर लेंगे, 1, नोमिनेटर हमें कुछ नहीं ऐड करना, हमने हमेशा डिनोमिनेटर में ऐड करना है, तो कितना आ गया फिर 1/11 आ गया, 1/11 की फ्रैक्शन में क्या आ जाता है 9 1/11% हमें अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको मैंने ये जो चीज़ें समझाई हैं ये आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा आगे 2-3 क्वेश्चन और आएंगे उनमें फिर दोबारा दोबारा मैं कंसेप्ट क्वेश्चन कराते जाऊंगा, आपको पूरी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया कि क्या बोल रहा है, एज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, तो मतलब ए की इनकम बी से 25% है, आपको बोला था मैंने इतना क्वेश्चन पढ़ लो, तो अब आपने लिख लिया 25%, 25% को क्या लिख सकते हो आप, 1/4 लिख सकते हो। अब क्या बोला कि इसके कंपैरिजन में बी में, हमें कंपैरिजन देख लिया, दो कंपैरिजन आ रखे। अब देखो अब आपने लिखा 1/4,
अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोर, तो मोर में क्या करते हैं हम, प्लस, प्लस क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर वाला नंबर होता है वो कर, कितना आ गया 1/5। 1/5 फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, परसेंटेज में किसके बराबर होता है, 25%, सॉरी 20%। तो बी की इनकम कितनी लेस होगी ए से, 20% लेस होगी। अगर आपको इसको सिंपल फॉर्मूले के साथ करना होता तो क्या करते, देन ए के साथ है तो ए लिख लेते आप यहाँ पे, और सेकंड नंबर पे भी ए लिखते, यहाँ पे क्या लिखते बी, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मान के करते 100 के साथ, तो ए फिर वही लेते किससे, ए की ज़्यादा बोल रहा है तो बी का कंपेयर करते 100 लिख लेते इसको, तो ए कितना आ जाता 125 कर लेते, तो फिर इसमें वैल्यू पुट करते तो कर लेते। बट ये जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है, और टाइम कंज्यूमिंग के साथ इसमें कैलकुलेशन एरर हो सकती है, और इसमें कैलकुलेशन एरर आपकी नहीं होगी और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो फिर दे रखा है, इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी, तो मतलब 20% को क्या लिख सकते हो आप, 1/5 लिख सकते हैं हम। अब लेस वो हो रहा है तो 1/5 लिख लिया, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लेस, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे क्या, 1, ये 1 है ना यहाँ पे, तो आ जाएगा 1/4। 1/4 कितना था आपके पास, 25%। तो बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। क्या किया मैंने, 20% को लिख लिया 1/5, ये मैंने आपको समझाया था कैसे लिखते हैं, चेंज करवाया था पहले वाले लेक्चर में, वो वाली वीडियो देख जरूर देख लेना। उसके बाद मैंने आपको कहा था लेस या मोर हो यहाँ पे, तो लेस होगा तो माइनस करेंगे, मोर होता तो प्लस करते, क्या करते जो न्यूमिनेटर वाला नंबर है उसको करते। ये सारे इनवर्स रिलेशन के क्वेश्चन चले। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 60% इन ऑर्डर टू रेस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब सेम क्वेश्चन आ रहा कि प्राइस ज्यादा बढ़ रही है तो उसकी कंजप्शन कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे कम हुए और हमें चीज लानी है और प्राइस उसकी ज्यादा हो गई है तो हमें कम ही चीज आएगी, अब हमें कितनी हम उसकी प्राइस कम करें तो हमें ओरिजिनल वैल्यू उसकी आ जाए। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया क्या लिखा, 60% है और क्या हो रखा है, इंक्रीज हो रखा है, इंक्रीज का इंक्रीज लिख लेंगे। 60% को क्या लिख सकते हो आप, आपको मैंने पढ़ाया था 60% को लिख सकते हैं हम 3/5 लिख सकते हैं, और अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रखा है इंक्रीज, तो क्या लिखोगे आप, न्यूमिनेटर में 3 है 3 लिख लिया, 5 आ गया, और अब इंक्रीज है तो ऐड करेंगे, अगर डिक्रीज होता तो माइनस करते, तो ऐड क्या करेंगे हम यहाँ पे 3, क्या कर लेंगे 3, तो कितना आ गया 3/8, इसका आंसर आ गया 3/8। आपने ऑप्शन देखा 3/8 कहीं नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, 3/8 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये 25 के साथ चला गया, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 4 के साथ कर लेना हमने, ये 4 2 8 और 4 25 के साथ आ गया 100। अब आ गया 75/2 जो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 37.5%, तो वो क्या ऑप्शन नंबर डी। क्या किया मैंने, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, एक बार फिर समझा देता हूँ इसमें क्या क्या क्वेश्चन में मैंने, देखो क्वेश्चन सब इजी है, आपको बस थोड़ा चीजें समझनी है कि कैसे चीजें कर रहे हैं हमारे पास, ये हम 3/5 कैसे लिख रहे हैं, इसमें ये ऐड कब कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कब कर रहे हैं, बस आपको यही मेन जो चीजें, इसी में आपको डाउट हो सकती है, बाकी कोई चीजें डाउट होने वाली नहीं है। मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब आई थिंक कि आप किसी को कोई डाउट आनी नहीं चाहिए, अगर फिर भी आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तो देखो क्या बोल रहा है, प्राइस कितनी इंक्रीज हो रही है 60%, तो मैंने आपको कहा 60% को क्या लिख सकते हो आप, 3/5 लिख सकते हो, और इंक्रीज हो रहा है तो मतलब मोर या इंक्रीज एक ही वाला है, अगर डिक्रीज होता तो माइनस करते, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, 3/5 लिखा, प्लस क्या करेंगे जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होती है मतलब 3, या यहीं वाली देख लो तो कितना आ गया 3/8, ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं है किसमें, परसेंटेज में, तो 3/8 को परसेंटेज में चेंज कर लो 100 के साथ मल्टीप्लाई करके, 4 के टेबल के साथ काटो ये 2 आ जाएगा, ये 25 के साथ आ गया, कितना आ गया 75/2 आ गया, अब इसको 2 के साथ डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 37.5%, जो कि आपके पास ई ऑप्शन आ गया आपके पास आंसर। अब देखो अब आपके पास आ गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको डिफरेंट मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम में आ देखा होगा, JKSSB पूछता है, SSC सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है कि एक स्टूडेंट इतने नंबर आ रहे थे उसको और वो फेल हो गया और दूसरे को इतने आ गए और वो पास हो गए, तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या देखा, ए स्टूडेंट गॉट 25% मार्क्स इन हिज एग्जाम एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, और अनदर स्टूडेंट गॉट 50% मार्क्स एंड ऑब्टेन 20 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, मतलब उसको 50% आए और 20 नंबर ज्यादा आ गए पास होने के से ज्यादा, और एक को 25% नंबर आया और 30% कम आया। इसमें हमेशा आपको वो तीन चीज़ें ही पूछ सकता है, या टोटल मार्क्स पूछेगा, या पासिंग परसेंटेज पूछेगा, या पासिंग मार्क्स पूछेगा। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं तो हमारे पास दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। ए को हमारे पास मान लो कितने परसेंट मार्क्स आ गए, 25% मार्क्स आ गए, और बी को आ गए हमारे पास 50% मार्क्स। अब ये जो ए बेचारा ये रोने लगा कि
मैं फेल हो गया, मुझे इतने नंबर कम आ गए, मैं फेल हो गया, और बी खुश हो गया कि मैं पास हो गया, इतने ज़्यादा नंबर आ रखे मुझे। तो जो इनका टीचर था उसने देखा कि ये कितने के साथ फेल हो रहा, 30 मार्क्स के साथ। उसने बोला चल मैं तुझे खुश कर लेता हूँ, तुझे मैं 30 नंबर और दे देता हूँ, तू पास हो जाएगा। और बी ज़्यादा खुश हो रहा था, टीचर बोलता चल कोई बात नहीं, तू ज़्यादा खुश हो रहा है तो मैं क्या कर लेता हूँ, तेरे नंबर 20 घटा देता हूँ, तू पास हो जाएगा और तुझे भी ए के बराबर नंबर आ जाएंगे। तो किसके बराबर आ जाएंगे? ए के बराबर। तो मतलब इस ऐसे कर रहे हैं, इसको 25% मार्क्स आ रहे हैं और 30 की कमी पड़ रही है, तो हमें इसको 30 नंबर दे के इसको पास कर ले, इसको 50% मार्क्स आ रहे हैं और 20 ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब अगर 20 हम इसके घटा भी देंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, ये पास ही हो जाएगा कैंडिडेट। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इनके पास मार्क्स हो रहे हैं, इसके भी पास मार्क्स हैं, इसके भी पास मार्क्स होते हैं। तो मतलब पास किसी भी एग्जामिनेशन में पास नंबर सारे बराबर होते हैं। तो क्या लिख लोगे आप, 25% प्लस 30 भी पास मार्क्स हैं और 50% -20 भी क्या है आपके पास, पास मार्क्स है, क्योंकि दोनों पास हो रहे हैं इतने नंबर आने के बाद। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल कैलकुलेशन करोगे, परसेंटेज वाले को परसेंटेज में घटाओगे या बढ़ाओगे और नंबर वाले को नंबर में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 50% -25 इक्वल्स टू 30 प्लस 20। तो ये आ गया आपके पास 25% इक्वल्स टू 50। अब 25% आपके पास 50 के बराबर आ गया, तो 1% किसके बराबर आएगा, 50 डिवाइडेड बाई 25, तो मतलब आ गया 2 के बराबर। तो 1% आपके पास आ गया 2 के बराबर। अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले टोटल मार्क्स निकालो। कोई भी एग्जाम होता है उसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100% होता है। तो मतलब अगर 1% 2 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर। टोटल मार्क्स कितने एग्जाम में, 200। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछा पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ये कोई एक कैंडिडेट था उसको इतने नंबर होने चाहिए थे पास होने के लिए, तो बी को इतने आने चाहिए। तो मतलब लिख लेते हैं उनकी पासिंग परसेंटेज 25% प्लस, अब 30 को मैं परसेंटेज में चेंज करता हूँ। देखो 30 को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, 1% आपके पास 2 के बराबर है, तो मतलब मुझे 30% को करना है, तो इसको डिवाइड में ले लेते हैं। देखो यहाँ पे कर लेते हैं, आपके पास 2 किसके बराबर है, 1% के बराबर है, तो मतलब 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2% के बराबर। तो हमें 30 लाना, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 के साथ। तो कितना आ जाएगा, 15%। मतलब 30 कितना आ रहा है, 15%। तो इसमें मैं 15% जो उसके पास मार्क्स है उसमें 15% ऐड कर देता हूँ, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 40। तो मतलब 40% चाहिए थे उस एग्जाम में आपको नंबर पास होने के लिए। तो कितने परसेंट चाहिए थे, पासिंग परसेंटेज होनी चाहिए थी 40। तो अगर 40% पास होने चाहिए तो पासिंग मार्क्स भी कितने होंगे, 40। तो 40 1% 2 के बराबर है, तो 40% किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया क्वेश्चन में, मैं दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले कोई दो कैंडिडेट थे ए और बी, मान लिया हमने ए को 25% मार्क्स आ रहे थे और वो 30 नंबर के साथ फेल हो रहा था, दूसरे को 50% मार्क्स आ रहे थे और उसको 20 ज़्यादा आ गए। तो वो जो फेल वाला था कैंडिडेट था वो उदास हो गया, वो रोने लगा कि मैं फेल हो गया, दूसरा खुश हो गया कि मैं पास भी हो गया और तेरे से मुझे इतने पास होने के बाद भी इतने ज़्यादा नंबर आ गए। तो जो टीचर था उसने क्या सोचा कि चलो इन दोनों को मैं पास ही रखता हूँ और किसी के नंबर में, इसको अगर 30 की कमी है तो इसको मैं 30 दे देता हूँ, इसको अगर 20 ज़्यादा है तो इससे 20 घटा देता हूँ, तो फिर भी ये पास हो जाएंगे और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों के पासिंग मार्क्स आ गए। फिर मैंने इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन कर दी, परसेंटेज निकाल लिया, फिर जो क्वेश्चन में पूछा था वो आप कर सकते हो। अगर इसमें भी समझ नहीं आए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी क्राइटेरिया पर करेंगे, तो आपको उसमें भी क्लियरिटी हो जाएगी। अब देखो क्या दे रखा, ए स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल बाई 30। मतलब ए कोई कैंडिडेट है जिसको 30% मार्क्स आ गए और वो फेल हो गया, और बी कोई कैंडिडेट है जिसको कितने आ गए, 40% मार्क्स और 35 मोर देन द पास, मतलब उसको 35 और ज़्यादा आ गए, 40% मार्क्स आ गए। ये वाला कैंडिडेट फेल हो गया कितने नंबर के साथ, 15 नंबर, तो टीचर ने बोला इसको मैं 15 नंबर दे देता हूँ, ये भी पास हो जाएगा और इसको 35 मार्क्स आ रहा है, तो मतलब इसको कम कर देते तो दोनों के क्या आ जाएंगे, पास मार्क्स, मतलब जिनको जितने रिक्वायर्ड होते हैं पास होने के एग्जाम के लिए। तो ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। मतलब 30% प्लस 15 इक्वल्स टू 40% माइनस 35 आ गया। तो परसेंटेज वाले परसेंटेज में एक साइड कर लो, तो 40 को इधर ले आओगे, 30 में माइनस कर लोगे, 30 को इधर ले आओगे, 40 में से माइनस कर लो तो आ जाएगा 10%। इसको 35 को इधर ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 50। तो मतलब 10% 50 के बराबर है, तो 1% इसके बराबर आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 10 कर लोगे तो 1% आ जाएगा आपके पास 5 के बराबर। अब आपको पूछा पासिंग परसेंटेज निकालनी है, आपने पासिंग परसेंटेज कैसे निकालोगे। अगर 5 नंबर 1% के बराबर है तो 15 नंबर कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे, 3% के बराबर, तो मतलब 30
परसेंट प्लस 3% कर लो, कितना आ गया 33%, वरना यहाँ पे कर लो आप 40% माइनस 35 है, तो मतलब अगर 5 नंबर 1% के बराबर है तो 35 कितने के साथ होंगे, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना तभी 35 आएगा, तो इसको भी 7 के साथ करना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा 40% माइनस 7%, तो कितना आ गया तब भी 33% आ गया, तो मतलब अगर 33% आएंगे दोनों को तो वो क्या हो जाएंगे, उनका पास होने का क्राइटेरिया रखा हुआ है। क्या क्या हमने, आई होप आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियरिटी इसमें हो जाएंगे। अगर आपको मान लो इसमें टोटल मार्क्स पूछो तो क्या निकालते हैं, 100% होते हैं, तो अगर 1% 5 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होता है, 500 के बराबर, और आपको पास परसेंटेज पूछ सकती है 33%, तो अगर पासिंग मार्क्स पूछो तो 33% परसेंटेज को चेंज कर लेते हैं, 1% 5 के बराबर है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 5 3 15 कैरी 1 5 3 15 और 1 आ गया 16, तो 165 आता है इसके पास सिंह मार्क्स होने चाहिए थे। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन सेम है, तो मतलब कोई दो कैंडिडेट है ए और बी है, ए को कितने मार्क्स आ गए 30% मार्क्स आ गए और वो क्या हो गया फेल हो गया एग्जाम में, कितने 50 नंबर से, और दूसरा कैंडिडेट उसको 320 मार्क्स आ गए और वो भी फेल हो गया 30 मार्क्स से, तो हमें टोटल मार्क्स निकाले, तो मतलब ये फेल हो गया कितने 50 मार्क्स से, तो अगर इसको हम 50 नंबर और दे देते तो ये पास हो जाता, तो इसको 320 नंबर आया और ये भी 30 नंबर के साथ फेल हो गया, तो इसको भी क्या देते अगर हम 30 नंबर देते तो ये पास हो जाता, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है 30% प्लस 50 इक्वल्स टू 320 प्लस 30, तो अब आपके पास परसेंटेज वाला एक ही है, तो बाकी इसको सॉरी ये 30 है इसको सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा आपके पास 350 और ये इधर से चला जाएगा तो माइनस 50 बन जाएगा, तो मतलब आ गया 300, तो 30% आ गया आपके पास 300 के बराबर, तो 1% आएगा 300/30 जो किसके बराबर आएगा 10 के बराबर, तो 1% आपके पास आ गया 10 के बराबर, तो टोटल मार्क्स निकालने होते हैं किसी एग्जाम में तो कितने होते हैं वो 100% होते हैं, तो 100% कितना आ जाएगा 1000 मार्क्स आपके पास क्या हो जाएंगे टोटल नंबर आ जाएंगे। मैंने क्या किया मैं आपको एक बार दोबारा फिर समझा देता हूँ, सबसे पहले एक कैंडिडेट थे जिसको 30% मार्क्स आए थे और वो फेल हो गया कितने के साथ 50 नंबर के साथ, तो अगर मैं उसको 50 दे दूँ तो पास तो हो जाएगा एटलीस्ट, और दूसरा स्टूडेंट था उसको 320 मार्क्स आया और वो फिर भी फेल हो गया तो 30 नंबर के साथ, तो मतलब उसको मैं और 30 नंबर दे दूँ तो दोनों को पास कर दिया ना मैंने, अब पास कर दिया तो अब इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बन गए दोनों पास मार्क्स इसके भी इसके भी, दोनों पास मार्क्स तो बराबर ही होंगे, तो इक्वेशन करके सॉल्व कर दिए हमारे पास आंसर कितना आ गया 1000 आंसर आ गया। ऐसे ही आप इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी होगा इसको आप इस अप्रोच के साथ करना, थोड़ी आपको कैलकुलेशन स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा बट 1 2 5 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये कि आपके जो फ्रैक्शन होती है उसमें न्यूमिनेटर में इतनी चेंज आ गई डिनोमिनेटर में इतनी आ गई, तो वो न्यू फ्रैक्शन या ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, तो देखो क्या होता है इफ अ न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज बाई 20% बोल रहा है और डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 5%, द फ्रिक्शन बिकम 5/2 बन रही है, देन होगा यहाँ पे क्वेश्चन में देन फ्रिक्शन बिकम 5/2 ओरिजिनल फ्रिक्शन का, तो मान लो आपके पास फ्रिक्शन किस फॉर्म में होती है पी बाई क्यू फॉर्म में होती है या एक्स वाई फॉर्म में होती है, यही फॉर्म होती है आपके पास जनरल, तो हम मान लेते हैं कि एक्स वाई आपके पास फॉर्म है वो, और ये पहली वाली इंक्रीज कितनी होगी 20%, तो हम इसमें बेस वैल्यू क्या मानते हैं कि 100 होगी तो 100 का 20% हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, 100 का 20% इंक्रीज हो गया तो कितना बन जाएगा 120% बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना डिक्रीज हो गया 5, तो मतलब 100 का 5% कम हो गया तो मतलब कितनी बन जाएगी फ्रैक्शन 95 बन गई, किसके बराबर बन रही है 5/2 के बराबर, परसेंटेज और परसेंटेज चेंज आ गया, अब इसको भी काट तो 5 के साथ तो ये आकर जाएगा 19 के साथ, तो ये कर जाएगा आपका 24 के साथ, अब आ गया एक्स बाई वाई इंटू 24/19 इक्वल्स टू 5/2, इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 5/2, अब ये इस साइड इक्वल्स टू के साइड है तो इस साइड ये जो मल्टी ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर में तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर पर न्यूमिनेटर हो जाएगा, तो मतलब 19 ऊपर हो जाएगा 24 हो जाएगा डिवाइड में, तो इसको आपस में कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 19 × 5 आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाई 48 आपके पास क्या होगी ओरिजिनल फ्रैक्शन, इसमें जब इतना चेंज हुआ इंक्रीज डिक्रीज हो गया तो आपके पास ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 5/2 बन जाए। देखो क्या किया मैंने आपको पी बाई क्यू मान ली एक्स वाई मान लो उसमें 20% इंक्रीज हो रहा था, 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, तो मतलब इंक्रीज हो गया तो कितनी बन जाएगी 120 बन जाएगी, और डिक्रीज हो गया 5, तो मतलब 100 थी तो डिक्रीज हो गया 5, तो कितना बन जाएगा 95%, सिंपल आपस में कैलकुलेशन करके तो आपके पास सवाल हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अब हम देखते हैं कि न्यूमिनेटर फ्रैक्शन का क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मानते हैं
उसमें न्यूमिनेटर इंक्रीज हो गया 400%। अगर 100 था, 100 का 400 कितना है, 400 तो मतलब आप फ्रैक्शन कितनी बन गई, 100 थी तो 100 में 400 और ऐड कर लो तो आप कितनी बन गई, 500 बन गई। तो मतलब 500 के बन गई अब, और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो गया 500, मतलब 500 हो गया, तो 100 था पहले तो 500 और इंक्रीज हो गया तो कितना बन जाएगा, 600 बन जाएगा। परसेंटेज और फ्रैक्शन रिजल्ट इन फ्रैक्शन कितनी बन गई, 10/21। तो परसेंटेज के साथ परसेंटेज कैंसिल, ये काट लो 5 और 6 के साथ आ गया, तो एक्स बाई वाई मल्टीप्लाई 5/6 आ गया 10/21, और आपके पास एक्स बाई वाई आ जाएगा 10/21 मल्टीप्लाई 6/5। 5 2 10, 3 2 6 और 3 7 21। तो 2 2 4, 7 आ जाएगा सिंपल, क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा, 7 into 1 आ गया तो कितना आ गया 7। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो कितनी थी, 4/7। इसमें जब न्यूमिनेटर में इंक्रीज हो गया 400 और डिनोमिनेटर में 500% इंक्रीज हो गया, तो तब भी वो कितनी बन गई, 10/21। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप्स के अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या बोल रहा है, इसमें भी वही मान लेते हैं, एक्स वाई मान ली हमने, और न्यूमिनेटर में कितनी इंक्रीज बोल रहा है, 15%, तो मतलब 100 थी तो 115 हो जाएगी परसेंट, और डिनोमिनेटर में डिक्रीज बोल रहा है 8%, तो मतलब 8% डिक्रीज करके 92% आ गया, तो किसके बराबर बन गया, 15/16। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा सिंपल, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज हम कैंसिल कर लेते हैं। तो अब आ गया एक्स बाई नाइन, अब देखो आप इसको किसके साथ कैंसिल आउट कर लोगे, अब देखो इसको एक्स बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 115 डिवाइड बाई 92 इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 92 डिवाइड बाई 115। 5 5 के साथ कैंसिल करते हैं, 5 3 15, तो 5 23 के साथ आ जाएगा हमारा 115। उसके बाद 4 के साथ इसको काटो, 4 4 16, तो 4 आ जाएगा आपके पास 20। 22 के साथ 23 के साथ आ जाएगा आपके पास 92। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 93, तो यहाँ पे 23, यहाँ पे भी आगे 23, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, 3/4। तो आपके पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितनी थी, 3/4 थी। इसमें जब न्यूमिनेटर को आपने 15% इंक्रीज कर लिया तो वो 15 बन गया, और इसमें जब आपने 8% का डिक्रीज कर दिया तो वो कितना बन गया, 16 बन गया। तो आई होप आपको ये सारी जो जितनी भी मैंने चीज़ें बताई वो सब क्लियर हो जाएंगी, और आपको जो भी कोई डाउट होगी वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इसको अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेना। और आपको मुझे लगता है कि वो जो मार्क्स वाले क्वेश्चन उसमें क्या कर दो, जैसे कोई स्टूडेंट मान लेते हैं उसको 30% मार्क्स आ गए और वो 20% से फेल हो गया, दूसरे स्टूडेंट को 50% मार्क्स आ गए और उसको 30 ज़्यादा आ गया, तो जो टीचर था उसने सोचा कि देखो कि अगर इसको 30% मार्क्स आ रहे हैं और ये फेल हो गया था, अगर इसको मैं 20 नंबर और देता तो ये पास तो हो जाता ना, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आ जाते इसकी। और इसको भी उसी ने वही किया टीचर ने, कि इसको अगर 50% मार्क्स आए और 30 ज़्यादा आए तो इसको मैं दोनों के पासिंग मार्क्स कैसे, इसके 30 कम कर लेता तो वो पास हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे तो इसके भी आ जाएंगे, तो दोनों क्वेश्चन को रिलेट कर लो, तो ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो जो भी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, सारे डाउट्स जो होंगे आपकी क्लियर हुई होंगी, कुछ भी रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, और नेक्स्ट वीडियो में हम अलग कैटेगरी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।